भारत और मालदीव के बीच विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों से हुई है। पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर भारत में भी रिएक्शन देखने को मिला और लोगों ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि मालदीव के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से वहां के पर्यटन उद्योग को घाटा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कितनी सही है और दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। सबसे पहले बढ़ते हैं मालदीव के इतिहास की ओर। आपको बता दें, मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला होता है। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोची से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ काफी छोटा देश है। आपको बता दें, मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है क्योंकि ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से 6 फुट की ऊंचाई पर है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। GDP का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। आपको बता दें, भारत में मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीजा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिलहाल हो ही आइलैंड, माले सिटी, माफूशी आर्टिफिशियल बीच, मिमीगिली जैसे जगह पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। यहाँ 3-स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5,000 रुपए से शुरू होती है। अब इसी के साथ आइए बढ़ते हैं लक्षद्वीप के इतिहास की ओर। आपको बता दें, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोची शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में इसका 36 द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज्यादा छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज्यादा है और यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, कवाराटी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलात, बिट्रा, आंदो, कंपनी और मिनिकॉय उन द्वीपों में शामिल है जहां लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि साल के सालों में यहां पर्यटन उद्योग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहां पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है जो अगाटी में है। इसकी कनेक्टिविटी कोची से है। लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोची जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफर किया जा सकता है। आपको बता दें, लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों के जाने की मनाही है। इसके लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। ज्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री रहता है। जहाँ लोग घूमने जाते हैं, दिसंबर से फरवरी का महीना यहाँ पर्यटकों से भरा हुआ रहता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।